प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के बारे में। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और उस कांग्रेस की स्थापना होने के बाद कांग्रेस के मंच से सुधार, कई सुधारों की, वैधानिक सुधारों की मांग अंग्रेजी शासन से भारतीयों के द्वारा की जाती रही, और उसके परिणाम स्वरूप कुछ एक्ट सामने आए, जिसमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम की बात हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना भारत के इतिहास में घटी, और वो महत्वपूर्ण घटना थी 1905 में बंगाल का विभाजन, जो अंग्रेजी शासन ने अपनी सांप्रदायिक नीति के तहत किया। और इस बंगाल विभाजन होने के कारण से सांप्रदायिक राजनीति भारत में तीव्र होने लगी। अंग्रेज जिस रूप में भारतीयों को हिंदू और मुस्लिम में विभाजित करना चाहते थे, उस रूप की परिणति थी बंगाल का विभाजन। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस में भी फूट पैदा हुई, और कांग्रेस के अंदर एक धड़ा वह उभरा जो कांग्रेस के आरंभिक उदारवादी धड़े का की जो नीतियाँ थी और उनका उनके जो कार्यक्रम थे उनकी आलोचना करता था। और ये धड़ा था चरमपंथी कांग्रेस का धड़ा, या जिसे उग्रपंथी भी कहते हैं, लेकिन सही अगर हम अनुवाद करें तो वो चरमपंथी धड़ा था, जो उदारवादियों की प्रार्थना, अनुनय, विनय के जरिए सुधारों की मांग करने की नीति का विरोध कर रहा था। और उसने ये माना कि 1905 में अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन करने का साहस किया, वह वास्तव में कांग्रेस की उदार नीतियों के फेल हो जाने का, असफल हो जाने का नतीजा था। इसलिए 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन जो है दो भागों में हो गया, और एक तरफ उदारवादी थे और दूसरी तरफ लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे चरमपंथी नेता थे। इस चरमपंथी धड़े ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन शुरू किए। स्वदेशी का आंदोलन, बहिष्कार का आंदोलन तिलक के नेतृत्व में छेड़ा गया, और इस आंदोलन के कारण से जो भारत में कई जगह हिंसात्मक रूप ले चुका था, उसकी वजह से अंग्रेजी शासन को अब इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारतीयों की बात को सुना जाए और उनके लिए कुछ वैधानिक सुधार किए जाए। और इसी दशा में, इसी दिशा में 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम आया, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट की पहली महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस एक्ट में वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई, और वह 16 से 60 कर दी गई। यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसे हम सेंट्रल पार्लियामेंट कहें, उसकी सदस्य संख्या को बढ़ा करके 16 से 60 कर दिया गया, यानी एकदम लगभग 4 गुना सदस्य संख्या विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, बढ़ा दी गई। केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की ही सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई गई, बल्कि मद्रास, बंगाल और बंबई की विधान परिषदों में जो अतिरिक्त सदस्य होते थे उनकी भी सदस्य संख्या 20 से 50 कर दी गई, संयुक्त प्रांत में 15 से 60 कर दी गई, और पंजाब और असम में जो विधानसभाएं थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनमें अधिकतम संख्या 30 कर दी गई। 1912 में इसमें और परिवर्तन किया गया, और केंद्रीय विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 69 कर दी गई। इन 69 में 37 सरकारी सदस्य होते थे, 5 मनोनीत सदस्य होते थे और गैर सरकारी होते थे, और 27 निर्वाचित सदस्य होते थे। इस केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का था।
तीन तरह के सदस्य उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में होते थे। एक तो थे सरकारी, जिन्हें जो सरकार के ही सदस्य होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही सदस्य होते थे, और पांच वे सदस्य होते थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट मनोनीत करती थी, जिन्हें और ये सरकार के अंग नहीं होते थे, गैर सरकारी सदस्य होते थे, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से आते थे, और 27 सदस्य जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे। इस प्रकार कुल 69 मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में होते थे, और इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का रखा गया। हम इसके अन्य प्रस्तावों की बात करें तो इसका अगला प्रस्ताव ये था कि भारतीयों को भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया था कि जो भारत की शासन व्यवस्था थी उसका स्ट्रक्चर ये था कि ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल होता था उसमें एक भारत मंत्री होता था, उसका एक सचिव होता था जो भारत सचिव कहलाता था, और दूसरी तरफ भारत में सबसे बड़ा अधिकारी वायसराय होता था। इनकी अपनी कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव होती थी, मंत्रिमंडल जिसे आप कह लें वह होती थी। इसमें पहले कोई भारतीय नहीं होता था, लेकिन अब इन एग्जीक्यूटिव्स में, इन वायसराय के एग्जीक्यूटिव में भारतीयों को भी नियुक्त किया जाने लगा। इस रूप में लॉर्ड सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जो एग्जीक्यूटिव में नियुक्त हुए। अगली बात इस एक्ट की महत्वपूर्ण ये थी कि इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और जो विधान परिषदें, प्रांतीय विधान परिषदें थी, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो व्यवस्थापिकाएं थी, उनको पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिला। इससे पहले विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब बजट पर वाद विवाद करने का उनको अधिकार मिला। यही नहीं, अब उनको सार्वजनिक हित के विषयों पर अपनी तरफ से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी अधिकार मिला, और पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिला। 1892 के एक्ट में उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। 1909 के एक्ट में उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला। 1909 का जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म एक्ट है वो खासकर जाना जाता है सेपरेट इलेक्टोरल दिए जाने को लेकर के। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी शासन ने मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया। ये फिर अगली चाल थी बंगाल विभाजन के बाद, पुनः भारत में सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करने के लिए अंग्रेजी शासन ने 1909 के एक्ट के जरिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया, और उन्होंने मुसलमानों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरल का देना शुरू किया। आप प्रतिनिधित्व नहीं कह के हम निर्वाचन कहें, से सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्टोरल जो है वो दिया। यहाँ हम ये समझें कि उस समय ये जो सेपरेट इलेक्टोरल या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, वह आज जो हम रिजर्वेशन देते हैं किसी भी वर्ग को, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, उस जैसा नहीं था, उससे पृथक है। आज तो हम ये देखते हैं कि हम जब राजनीतिक रूप से कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं, संसद में आरक्षित करते हैं सीट, तो हम सीट आरक्षित करते हैं, और उस सीट आरक्षित करने का मतलब ये होता है कि जिस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित की गई है उस क्षेत्र से उसी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अंग्रेजों के समय यह व्यवस्था नहीं थी। ये पृथक निर्वाचन में, सेपरेट इलेक्टोरल में होता यह था कि जिस वर्ग के लिए सीट को रिजर्व किया गया है उस पर खड़ा तो किसी भी समुदाय का हो सकता है। जैसे मान लो अगर मुसलमानों के लिए कोई सीट को रिजर्व किया गया है, निर्वाचन क्षेत्र को रिजर्व किया गया है, तो उस पर खड़ा तो
हिंदू भी हो सकता है, कोई और वर्ग का, कोई और समुदाय का भी हो सकता है, लेकिन वोट जो है वो केवल उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे, उसी क्लास के, उसी वर्ग के लोग जो है वोट करेंगे। अगर मुसलमानों के लिए आरक्षित है तो वोट केवल मुसलमान ही करेंगे, खड़ा कोई भी हो सकता है, ये उस समय की व्यवस्था थी। तो इससे क्या होता है, इससे विभाजन और गहरा होता है कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर आप वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं, आधे जन को वोटिंग राइट दे रहे हैं कम्युनिटी के आधार पर, तो उससे समाज के भीतर विभाजन गहरा होता है। अंग्रेजों ने अपने फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, और 1909 के एक्ट की महत्वपूर्ण बात यही थी कि इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम 1919 के एक्ट के बारे में बात करेंगे।